हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान खान। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी। मतलब ये देखिए, आप लैपटॉप की बैटरी देख पा रहे होंगे, ये एक लैपटॉप की ख़राब बैटरी है। ये मैं मार्केट से ख़रीद के लाया था, करीबन मुझे 100 रुपये में पड़ी थी। इसके अंदर आपको 6 बैटरियाँ मिलेंगी। अगर आप वैसे नॉर्मल उस टाइप की बैटरी अगर बाय करेंगे तो वो कम से कम 90 रुपीज़ की एक बैटरी पड़ती है। तो इसीलिए इसमें से हम बैटरी निकाल के और उसका यूज़ करेंगे। और ये भी एकदम ओरिजिनल बैटरी होती है। तो फटाफट से मैं इसे कट कर लेता हूँ। ये मैं एंगल ग्राइंडर का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो आरी ब्लेड या किसी चीज़ से भी काट के इसको निकाल सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको कट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, इसमें मैंने हल्का सा ही कट लगाया था क्योंकि वो बैटरी के पास जा रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कट लगा के छोड़ दिया। और अब मैं इसे प्लास से और पेचकस से तोड़ के निकाल लूँगा। तो आपको सिर्फ बैटरी का ध्यान रखना है कि वो बैटरी टूटे ख़राब ना हो, मतलब वो अच्छे से बाहर निकल जाए। देखिए जैसे इसके अंदर, इस टाइप से देखिए, इसके अंदर 6 बैटरीज रहती हैं। और सोचिए, आप 100 रुपये में 6 बैटरी खरीद के ले आए, लगभग करीबन एक आधी बैटरी इसमें से ख़राब निकलती है। मैं पिछली बार लेके आया था, उसमें एक भी बैटरी ख़राब नहीं निकली थी। अब देखते हैं, इसमें चेक करके देखेंगे कि ख़राब है या सारी बैटरी सही है, जो भी है अभी आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट से इसे खोल के हटा लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर से 6 सेल निकली हैं और मैंने इसे चेक कर लिया, ये 6 की 6 सेल बिल्कुल सही हैं। बस इनकी चार्जिंग थोड़ी कम है, उसे हम चार्ज करके उसको बराबर कर लेंगे। तो मैंने 3 बैटरी साइड में रख दी है और ये 3 बैटरी ले ली हैं। देखिए इसी कुछ इस टाइप की हैं और हमें इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करना है। देखिए पहले तो ये देखिए, ये नेगेटिव एक साइड हो गए हैं और इसके नीचे अब ये पॉजिटिव है। इस साइड का देखिए, ये पॉजिटिव साइड है इसकी। तो फटाफट से इसे सीरीज़ में कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस टाइप से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मैंने वायर ले लिया है और फटाफट से सोल्डिंग कर लेते हैं। और वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है इसके बाद की, क्योंकि अगर वीडियो वैसी बनती तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दिया है। तो गाइस देखिए, इसे मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए इसका हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो ये मैंने पॉजिटिव साइड लगाया और ये लगाया, देखिए 8.52, मतलब 8.5 वोल्टेज के करीब आ रहा है। तो इसे हमें चार्ज करना पड़ेगा, पर पहले हम इसको पूरा सेट कर लेते हैं, उसके बाद इसे चार्जिंग में लगाएंगे। तो ये मैंने जंपर वायर्स लिए हैं और एक साइड मैं इसके पॉजिटिव साइड लगा दूंगा और एक इसके नेगेटिव साइड लगा दूंगा। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप से हमें इसमें सोल्ड कर लेना है। तो फटाफट से मैं दोनों वायर को सोल्ड कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये दोनों वायर सोल्ड हो चुके हैं और ये बढ़िया से लग चुके हैं। अब हम इसे टेप करके और इसे पूरा रैप कर देंगे। और जैसे हम मार्केट से बैटरी लेके आते हैं 12 वोल्ट की, जो करीबन पड़ती है 300-350 के करीब की पड़ती है, उससे ज़्यादा अच्छे बैकअप देगी ये और बड़े लंबे समय तक चलेगी। आप अगर ये ख़राब हो जाए तो एक आध बैटरी इसमें से ख़राब हो सकती है, वो भी इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती है। तो आप इसमें एक आध बैटरी चेंज करके फिर उसे दूसरी लगा सकते हैं उसकी जगह। देखिए इस तरीके से टेप मार देनी है कि ये निकले ना और हिले डुले ना। और इसकी सोल्डिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि सोल्डिंग टूटे ना, वरना ये सोल्डिंग की वजह से ख़राब भी हो सकती है आपकी बैटरी। तो फटाफट से दोनों साइड से टेप मार देते हैं। और ये देखिए, ये मैंने टेप मार दिया दोनों साइड से और अब हमारी पूरी बैटरी बनके रेडी हो चुकी है। फटाफट से मैं इसे कैंची से काट देता हूँ। तो ये हमारी पूरी बैटरी रेडी हो चुकी है। अब आया है इसका चार्जिंग टाइम। तो फटाफट से इसे चार्ज कर लेते हैं, पर उससे पहले एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारी बैटरी सही से काम कर रही है, मतलब हमारी सोल्डिंग वोल्डिंग एक आध ख़राब तो नहीं हो गई, टूट तो नहीं गई टाके इसीलिए। तो ये मैंने देखिए 8.57, तो अब चार्जिंग टाइम है। तो फटाफट से इसे चार्ज कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मैंने बैटरी को चार्ज कर लिया। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि चार्जिंग के बाद ये कितने वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है।
तो ये मैं फटाफट से इसमें लगाता हूँ और देखते हैं इसके वोल्टेज कितने हमें मिल रहे हैं, कि इसमें बैटरी ख़राब तो नहीं है। तो गाइस देखिए 11.26, देखिए 11.26 वोल्टेज हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, मतलब हमारी तीनों बैटरी बिल्कुल सही है और एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अब आप इसे चाहें किसी भी चीज़ को चला सकते हैं, आर्डिनो या मोटर जो भी आपको चलाना है 12 वोल्ट से, ये आपको हर चीज़ ऑपरेट कर रहेगा और ये लंबा बैकअप भी देता है कि आप इसे आसानी से चला सकते हैं, 2-3 घंटे के करीब चला सकते हैं। तो फटाफट मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखिए ये इस तरीके से काम करता, देखिए हमारा बिल्कुल जलने लग गया। आप अगर चाहें तो इसके एम्पियर और बढ़ा सकते हैं, आप तीन बैटरी जो अभी उसमें से और निकली थी उनको भी इसी टाइप से लगा के और पैरेलल में इसके कनेक्ट कर दीजिए, इसकी टाइमिंग और बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप कोई चीज़ उसके 10 मिनट चली है तो उससे 20 मिनट चलेगी, एम्पियर्स बढ़ जाते हैं उसके। तो ये देखिए ये मैं मोटर लेके आया हूँ और आपको अब आपको इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि 12 वोल्ट से स्पीड कितनी आ रही है। तो ये देखिए मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया है और दूसरा भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस स्पीड देखिए मोटर की स्पीड। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए घंटी बटन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।